नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर रहे, सबकी प्रॉफिट हो, इसी शुभकामना के साथ अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो दिवाली है, थोड़ा दिवाली गिफ्ट तो बनता है। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसी स्ट्रेटजी की चर्चा करने वाला हूँ जो कि बहुत सिंपल है और बहुत प्रॉफिटेबल है। एक बार अगर मार्केट ने आपको सिम्टम दिया, आपने उसमें ट्रेड लिया, ट्रेड अच्छा गया ऊपर तक, तो फिर लॉस होने की गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन जहां मार्केट चकमा देने के मिजाज में रहता है वहां पे दिक्कत होती है, और 70% मार्केट इसी रंग का रहता है, रेंज बाउंड। तो इसके लिए या तो आपको प्राइस एक्शन का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, और या फिर लोगों के लिए मैं सिंपल तरीके भी बताते रहता हूं। सबसे अच्छा लगता है जब कोई आपके पास में मैसेज भेजता है कि सर आपके वजह से मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। यकीन मानिए, सारी मेहनत उससे सफल हो जाती है। तो अगर प्राइस एक्शन और हेजिंग के बारे में आपको इनडेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव इंटरएक्टिव कोर्स है, प्राइस एक्शन का भी और हेजिंग का भी। वीकेंड्स में क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग सब स्टूडेंट को मिलती है। तो काफी बेहतरीन कोर्स है और स्टूडेंट्स उसमें अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि जिसने भी कोर्स किया है कोर्स को काफी ज्यादा अप्रिसिएट करते हैं। कई लोगों का कहना है कि सर हमने कई कोर्सेज किए लेकिन इस ढंग का जो इनडेप्थ नॉलेज दिया गया वो हमको इससे बहुत ज्यादा महंगे, बहुत हाइप्ड कोर्सेज में भी इतना इनडेप्थ नॉलेज नहीं मिला। नहीं, पढ़ाई तो बहुत अच्छा है, अभी प्रैक्टिस के ऊपर है कि हम कितना अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपके एंड से आपने जो देना था दे दिया, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा बहुत है। अच्छा है सर। और जितना आप जो प्राइस में दे रहे हैं मतलब शायद किधर भी नहीं मिलेगा। क्लासेस बहुत अच्छा है सर। तो सबसे अच्छी बात यही है कि इंटरेक्शन हो पाता है। बोलते ही है जो मतलब इंटरेक्शन करते भी है लेकिन वो इतना महंगा बोलते हैं। एक मराठी बंदे वो पढ़ाते रहते हैं, मैं एक बार वेबिनार गया उनका, लेकिन वो जो पैसा बोलते हैं उधर से भागना पड़ता है। देखिए वो लोग का पॉलिसी है, हम तो इसमें बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, 80,000-85,000 रुपया लगता है। जो पैसा ले रहे हैं उसका रिटर्न वहाँ उतना नहीं मिलता, हमने यहाँ जहाँ दिया है आपको उससे 10 गुना हमको मिला। आपको काम जाम नहीं हुआ, इतने 4-4 घंटे इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। हम एक नहीं 10 को पैसा दे चुके हैं, उसका रिजल्ट 0 ही मिला है। आप फोन अवेलेबल है तो सामने से बात हो जाती है, हम यूट्यूब पर लाइव रहते हैं, सामने से ट्रेड कराते हैं। अभी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज करने से आपको कोर्स के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी जो सेशन चल रहा है उसमें एडमिशन क्लोज है, नया सेशन चालू होगा 16 नवंबर से, उस सेशन के लिए आप सीट बुक कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं दिवाली गिफ्ट की। तो जैसा कि आपने चर्चा की है कि रेंज बाउंड मार्केट में या जहाँ पे मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है वहाँ पे ट्रेडर्स फंस जाते हैं, उनका एसएल हिट होता है और नुकसान होता है। नुकसान होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है, उसके बाद फिर साइकोलॉजी गड़बड़ होती है, वो उस लॉस को रिकवर करना चाहते हैं, बार बार गलत ट्रेड लेते हैं, और छोटे एसएल हिट होने की वजह से फिर बड़े एसएल लगाते हैं, वो भी हिट हो जाता है, और इस प्रकार से लॉसेस बढ़ते रहते हैं और शाम तक बड़ा लॉस ले लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंडिकेटर हो जो कि आपको केवल जब मार्केट में मोमेंटम आने वाला हो तब आपको उसका एक प्री इंफॉर्मेशन दे दे, मोमेंटम में आपको राइड कराए, और जहां मार्केट स्टेग्नेंट हो वहां पे आपको क्लियर कट सिग्नल दे दे कि भाई अब मार्केट में आपको नहीं इंटर करने का है। तो जिस इंडिकेटर की चर्चा मैं करने वाला हूं वो इंडिकेटर आपको जब मोमेंटम आने वाला रहेगा तो 60-70% मामलों में आपको एडवांस सूचना दे देगा कि भाई बड़ा मूव आने वाला है। और जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो आपको बिल्कुल एंट्री सिग्नल नहीं देगा, जिससे कि आपको रेंज बाउंड मार्केट में फंसने के आसार नहीं रहेंगे। तो अगर उस इंडिकेटर के अनुसार आप ट्रेड लीजिएगा तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे और बड़ा मूव मिलेगा, जिससे कि चॉपी मार्केट में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और जब मोमेंटम आने वाला रहेगा आपको प्री इन्फॉर्मेशन मिलेगा, प्री इन्फॉर्मेशन 100% मामलों में नहीं मिलेगा लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मामलों में मिल जाएगा। आप बड़ा मोमेंटम राइड कर सकेंगे, बड़ा मोमेंटम राइड करने में आपको डर नहीं लगेगा, एग्जिट का भी आपको प्रॉपर सिग्नल मिलेगा, और जब आप ट्रेड से एग्जिट होंगे तो आपके सामने एक बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। ऐसा लेट होने की संभावना 90% नहीं रहेगी, तो सब मिला करके लूजिंग ट्रेड के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो चलिए पहले मैं उस इंडिकेटर का आपको थोड़ा कमाल दिखाता हूँ। एक सिंगल इंडिकेटर है और ये सिंगल इंडिकेटर ही एनफ है बाजार फतह करने के लिए। तो ये लग गया इंडिकेटर। अब यहाँ आपको बहुत सारी लाइनें दिखाई दे रही होंगी, इन लाइनों से घबराने का नहीं है, ये लाइनें बहुत कमाल की हैं। आप यहाँ पे देखिए, इस जगह पे मार्केट जो है पूरा का पूरा चौपी है। अब चौपी मार्केट में ये आपको सिग्नल किस तरह का दे रहा है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। नीचे में ग्रीन लाइनें हैं और ऊपर में रेड लाइनें हैं। रेड लाइनें भी अलग अलग जगह आपको सिग्नल दे रही हैं और नीचे ग्रीन लाइन भी पूरे यहां तक छाई हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट चौपी है। जब ऊपर आपको रेड लाइन दिखाई दे और नीचे आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे तो इस मामले में आपको एंट्री नहीं लेने का है। ये रेंज बाउंड मार्केट का सूचक है। यहां पर मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा। अब मोमेंटम पकड़ने के पहले का सिग्नल आप देखिए,
सारी की सारी लाइनें जो यहाँ आपको अलग अलग जगह से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे सब एक ही जगह से डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही हैं। इस पॉइंट पे जाकर के आपको कोई भी रेड लाइन नहीं दिखाई दे रही है इस जोन में। ये आपका मोमेंटम जोन है, यहाँ पे आपको ट्रेड लेने का है। यानी जहां पे रेड लाइनें खत्म हो जाए, प्राइस प्रीवियस लेवल को क्रॉस कर जाए और उसके बाद नीचे केवल ग्रीन लाइनें ही बचें, तब आपको ट्रेड लेने का है। तो बड़े मोमेंटम आने के पहले ये सिग्नल कैसे देता है उसको देखिए। चौपी मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए ऊपर भी लाइन है, नीचे भी लाइन है, यानी कि यहाँ ट्रेड नहीं लेने का है। उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, इस जगह तक आपको रेड लाइनें दिखाई दे रही हैं, यानी यहाँ तक आपको ट्रेड नहीं लेने का। सारी लाइनें यहाँ से ओरिजिनेट हुई है और एक पॉइंट से निकल करके सारी की सारी डाइवर्ज हो रही है। तो आपको एंट्री कहाँ लेना है? आपको एंट्री जहाँ पे रेड लाइनें खत्म हो जाती हैं, यानी कि एट दिस प्लेस, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से लेकर के मोमेंटम पूरा यहाँ तक राइट होगा। जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए सिग्नल्स छोटे छोटे मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं और ये जो मूव है इसको राइट कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नल स्ट्रेंथ भी आपको पता लगेगा। यहाँ पे देखिए टोटल कितनी लाइनें हैं, इसको गिनिएगा तो टोटल 9 लाइनें हैं। 9 लाइनों में जो 3 शॉर्ट टर्म लाइनें हैं वो रेड हुई। रेड क्यों हुई? प्राइस यहाँ करेक्ट होगा, लेकिन नीचे में 6 लाइनें अभी भी ग्रीन बनी हुई है। इसका मतलब है कि ये शॉर्टर करेक्शन है, मेजर ट्रेंड अभी बाकी है। यहाँ पर भी सेम चीज हुई, लेकिन जहां पे मेजर ट्रेंड चेंज होता है, उदाहरण के लिए यहां देख लीजिए, प्राइस यहां तक गैप हुआ, यहां के बाद में मेजर ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जहां मेजर ट्रेंड चेंज हो रहा है वहां आप देखिए नीचे में ग्रीन लाइनें नहीं है कि सारी लाइनें ऊपर में चली गई, एक ही पॉइंट से इनिशिएट हुई। यहां पे देखिए ग्रीन लाइनें कहां तक थी? यहां तक थी, यहां तक थी, माने कि इस जगह तक ट्रेंड जो है ये बियरिश नहीं है। हालांकि देखिए जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, ग्रीन लाइनों की संख्या कम होती जा रही है और रेड लाइनें बढ़ती जा रही है, इसका माने कि मार्केट बियरिश होने वाला है। लेकिन क्योंकि अलग अलग जगह से ये लाइनें रेड हो रही हैं तो यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, प्लस यहाँ पे ग्रीन लाइनें भी नीचे हैं तो यहाँ भी मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम कहाँ से आएगा? मोमेंटम देखिए यहाँ से आएगा जब इतनी सारी रेड लाइनें एक पॉइंट से सेंटर्ड होकर के डाइवर्ज कर रही हैं, प्राइस इसके नीचे है और जैसे ही प्राइस नीचे मूव किया ये लाइनें नीचे जाने लग गई। अब यहाँ पे देखिए कोई भी ग्रीन लाइन नहीं है, ग्रीन लाइन नहीं है, सारी की सारी लाइनें रेड है। इसका मतलब है कि नीचे स्ट्रेंथ बेयरिश मूव की काफी तगड़ी है। ग्रीन लाइन आपको कहां तक नहीं दिखी? यहां तक नहीं दिखी। इसके बाद धीरे धीरे करके लाइनें ग्रीन होती गई और रेड लाइनों की संख्या कम होती गई। यहां तक मार्केट जो है चौपी है, इस जगह तक आपको ग्रीन और रेड लाइनें दोनों दिखेंगी, तो यहां पे आपको ट्रेड नहीं लेने का। उसके बाद देखिए यहां से प्राइस बुलिश गया, सारी की सारी लाइनें एक पॉइंट से ग्रीन हुई और ऊपर की तरफ डाइवर्ज करने लग गई। कहां तक? इस पॉइंट तक। यहां के बाद में फिर आपको रेड ग्रीन दोनों ही लाइनें दिखाई देने लग गई, इसका माने प्राइस यहां चौपी हो जाएगा। तो बड़े मोमेंटम आने के पहले इसका सिम्टम यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द लाइंस, कम से कम 6 लाइनें तो होनी ही चाहिए, ये एक जगह पे सेंटर हो जाएंगी प्राइस के ऊपर। तो जहां पे 6 या 6 से ज्यादा लाइनें एक सेंटर में आ जाए, टोटल देखिए ये 9 लाइनें, 2 लाइन पहले से ही बेयरिश है और यहां पे 6 लाइनें बेयरिश हो गई, तो इसका मतलब है अब बड़ा मूव आएगा। और उसके बाद देखिए यहां पे काफी बड़ा मूव आया, जहां पे आपको हैफजर्ड स्थिति दिखाई देगी, यानी कि रेड लाइनें ऊपर भी हैं और ग्रीन लाइनें नीचे भी हैं, तो वहां पे अपने को ट्रेड नहीं लेगा। इस जगह पे पूरा देखिए मार्केट चौपी है और आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद इस पॉइंट पे टोटल इस जगह पे 9 की 9 लाइनें एक जगह से शुरू हो गई और डाइवर्जेंस दिखा रही हैं। तो वैसे केस में यहाँ पे 2 या 3 लाइनें अगर रेड दिखाती भी हैं तो यहाँ पे अवॉइड कीजिए। जहां पे पूरी लाइनें खत्म हो जाए, एक भी रेड लाइन नहीं रहे, वहां पे आपके लिए अच्छा मोमेंटम है। अब यहां भी देखिए यहां से प्राइस नीचे गया इस लेवल तक, सारी की सारी रेड लाइनें ऊपर हैं, लेकिन यहां पे कमी क्या रह गई? कमी एक ही रह गई, सारी की सारी कम से कम 6 लाइनें एक ही जगह से शुरू नहीं हुई हैं। कुछ लाइनें यहां से शुरू हुई हैं लेकिन यहां ग्रीन लाइन नीचे है, कुछ लाइनें यहां से शुरू हुई हैं, कुछ लाइनें यहां से शुरू हुई हैं। तो अलग अलग सेंटर से अलग अलग लाइनें अगर शुरू होती हैं तो वहां पे अच्छा मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। बढ़िया मोमेंटम के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि सारी की सारी या कम से कम 6 लाइनें एक सेंटर से शुरू हों और ऊपर कोई रेड लाइन ना हो। जैसे यहां पे देखिए एक सेंटर से लाइनें शुरू हुई और इसके ऊपर कोई रेड लाइन नहीं है, तो यहां से आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा।
जितनी ज्यादा लाइनें एक साथ में शुरू होंगी उतना ज्यादा तगड़ा आपको मोमेंटम मिलेगा। इस जगह पर पूरा का पूरा मार्केट चौंकी है, आपको कहीं सिग्नल नहीं मिल रहा। नीचे ग्रीन लाइनें हैं, ऊपर रेड लाइनें हैं। ग्रीन लाइनों की संख्या कम है, रेड लाइनों की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब है कि बियर्स स्ट्रॉन्गर हैं और ये मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो यहां से यहां तक मार्केट चौंकी रहा। चौंकी रहने के बाद इस पॉइंट पे देखिए सारी की सारी लाइनें एक साथ कंसंट्रेट हो गई। उसके बाद ये तो एंड ऑफ द डे है, मार्केट इतना ह्यूज गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद आप देखिए कितना डाउन साइड मोमेंटम आपको स्ट्रॉन्ग मिला। ये यहां से शुरू हुआ लाइन और यहां तक आपको क्लियर कट मोमेंटम है। बीच में कहीं भी एग्जिट होने का सिग्नल नहीं है यहां तक, तो एकदम आपको बने रहने का। उसी तरह से यहां भी देखिए ये लो मोमेंटम मूवमेंट है ट्रेंड के अगेंस्ट में, करेक्टिव पुल बैक, तो यहां पर भी आपको चौपीनेस का सिग्नल मिल रहा है। नीचे ग्रीन लाइन है, ऊपर रेड लाइन है और यहां पे आपको बताया जा रहा है कि सिग्नल नहीं है। उसके बाद आप देखिए यहां पे सारी लाइनें एक साथ में, नौ की नौ लाइनें एक साथ में आ गई और तुरंत देखिए आपको क्या जबरदस्त मोमेंटम मिला। तो इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, आप इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में भी ले जा सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, सब में बहुत बेहतरीन काम करेगी। आप इसको स्विंग में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अभी यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम ले लिया है 30 मिनट्स का, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए ये लेवल है, ये लेवल जब मार्केट ने क्रॉस किया तो यहाँ पे सारी की सारी ग्रीन लाइनें नीचे आ गई। यहाँ से जो मोमेंटम चलना शुरू हुआ यहाँ तक मोमेंटम आप राइड किए, और उसी तरह से 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम में आप देखिए जहां आपको बढ़िया मोमेंटम रहेगा वहां पर ये प्रॉपर सिग्नल देगा। आप इसको 1 मिनट के भी टाइम फ्रेम में ले सकते हैं, ये हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया और यहां भी देखिए कितने बेहतरीन ढंग का सिग्नल है। इस पॉइंट के बाद में रेड लाइनें समाप्त हो गई, केवल नीचे ग्रीन लाइनें बची। यहां पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहां से यहां तक का मूवमेंट आपको बड़े आराम से मिलता है। और मार्केट जब रिवर्स हुआ तो देखिए यहां तक ऊपर में रेड लाइनें हैं, नीचे ग्रीन लाइन, और इन सारी जगहों पर आपको कहीं सिग्नल नहीं है। उसी तरह से आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए यहां पर इस लेवल पर आपको सारी रेड लाइनें खत्म हो गई, सिग्नल मिल गया, यहाँ भाई ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद नीचे में देखिए सारी की सारी ग्रीन लाइनें हैं, तो यहाँ से आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा। और देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम आपको मिला, 51,950 से 52,250 तक का मूवमेंट आपको मिलेगा। तो ये एक सिंगल इंडिकेटर जो है अगर आप प्रॉपरली यूज करेंगे तो ये आपको साइडवे मार्केट से बचाएगा और मोमेंटम आने के पहले पूर्व सूचना देगा और आपको बेहतरीन मोमेंटम्स में राइड कराएगा। तो ये तो हो गया इंडिकेटर का कमाल। अब चलिए इसको लगाते कैसे हैं, कौन सा इंडिकेटर है वो बताते हैं। तो ये इंडिकेटर जिसका नाम है पैराबोलिक सार, तो जनरली इंडिकेटर जो मिलते हैं पैराबोलिक सार वो एक सिंगल पैराबोलिक सार होता है। यहाँ पे मल्टी पैराबोलिक सार हैं जो अलग अलग फैक्टर्स पे काम करते हैं। यहाँ पे जो इंडिकेटर मैं बताने जा रहा हूँ ये एक साथ में 9 पैराबोलिक सार आपको देता है और उसके सिग्नल जो है कमाल के होते हैं। तो चलिए पहले इंडिकेटर को अपने लगाते हैं, पहले इस इंडिकेटर को हटा देंगे, ये हट गया। अब अपने इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे पैराबोलिक ग्लिटर। तो ये हमारे सामने आ गया पैराबोलिक ग्लिटर बाय जैकब एमस, तो इस पर क्लिक कर देंगे एंड इट इज डन। आप अगर चाहें तो इनको लाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और या फिर ऐसे ही रहने, लाइन में काफी क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और कन्फ्यूजन्स कम होते हैं। यहाँ पे जहाँ पे काफी डीप डॉट्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि कैंडल कौन सी है और सार कौन सा है, इसलिए बेटर होगा इसको लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेटिंग में चलते हैं, इनपुट्स में जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रहने देते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। स्टाइल्स में जाएंगे, हर सार के सामने SR1, SR2, SR3 ये जो डॉट्स बने हुए हैं इस पर क्लिक करके इसको लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार जितने भी सार हैं टोटल 9 के 9 सबको हम लोग लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस पर ओके कर देंगे और बस लग गया बेहतरीन इंडिकेटर। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करिए, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट का बेस्ट है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट से शॉर्टर टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो 15 मिनट का भी ले सकते हैं। तो इसको पेपर ट्रेड कीजिए, पहले पेपर ट्रेड करके आजमाइए किस ढंग का है, आपको सूट करता है या नहीं करता है। नई नई चीज़ें जो नज़र में आएंगी या जो अच्छी लगेंगी उसको आप में शेयर करना मैं उचित समझता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो इसीलिए मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई भी करते रहता हूँ, खोजते भी रहता हूँ और आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जितना सीखिएगा उतना बेहतर आप परफॉर्म कीजिएगा। नॉलेज इज द पावर। नई नई चीजें भी सीखते रहिए, आजमाते रहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कीजिए पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट के बाद। एक दो बार यूज करने से उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब एक स्ट्रेटजी को आप काफी बार यूज करेंगे तो यूज करते करते आपको पता लग जाएगा कि वो स्ट्रेटजी किस परिस्थिति में कैसा सिग्नल देती है और तब फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगा। अब एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे आदमी से मिस्टेक होता है और कैसे गड़बड़ी होती है।
यहाँ पे देखिए सारी की सारी लाइनें जो है ये प्राइस के ऊपर है। प्राइस में यहाँ से अच्छा फॉल आया, फॉल आने के बाद में यहाँ तक आपको कहीं ग्रीन लाइन नहीं दिखाई दे रही है, सारी की सारी रेड लाइन है। लेकिन ये जो लेबल बना हुआ है 51,300 का, प्राइस इसको क्रॉस करके नीचे नहीं जा रहा। तो जब एक लो प्राइस ने यहाँ पे बना दिया, इससे ऊपर गया, अब जब तक इस लो को ब्रेक करके कन्फर्मेशन नहीं दे देता है तब तक ऊपर में चाहे जो भी हो हम नीचे ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, इसको ब्रेक कर दे नीचे तब इस कन्फर्मेशन के बेस पर हम ट्रेड जरूर लेंगे। उसी तरह से ऊपर भी देखिए, यहाँ तक रेड लाइनें थी, यहाँ पे कोई रेड लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? प्राइस इसके ऊपर नहीं गया, इसको ब्रेक करे तो ले सकते हैं इतने कंसोलिडेशन के बाद, लेकिन प्राइस नहीं गया तो यहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो ये जो लैंग्वेज है ये आपको या तो प्राइस एक्शन का आइडिया रहे और या फिर इंडिकेटर को देखते देखते क्लियर होगा। सेम चीज यहाँ भी है, प्राइस ऊपर गया लेकिन ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से पेपर ट्रेड कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंडिकेटर को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके सिग्नल्स पर ध्यान रखिएगा, तो फिर जो इनिशियल गलतियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और आप देखिएगा कि आपके ट्रेड में एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। तो पेपर ट्रेड कीजिए, अच्छा लगे तो फिर इसको आजमा सकते हैं रनिंग मार्केट में। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंडिकेटर भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, आप ऐसा बनाएं यही मेरी इच्छा है। लेकिन उसके साथ में सीखते रहिए, लर्निंग इज द मोस्ट पावरफुल थिंग किसी भी फील्ड में। तो एक बार पुनः आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।